देखिए मम्मी आज ये क्या डाल रही है, ठंडा ठंडा आपके लिए। जी हाँ, सभी की पसंदीदा मम्मी डाल रही है ये केसर पिस्ता आइसक्रीम। बाजार से भी बढ़िया जो उन्होंने घर के अंदर बनाई है सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से। आज मम्मी अपना सीक्रेट आपको बताएंगी, तो ये वीडियो अगर पूरा देखिए। तो मम्मी अभी तो हम ये रेसिपी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो मम्मी गर्मी ना बहुत जोरों की पड़ रही है और आइसक्रीम कैसे रोज खाने का मन करता है, तो कैसे जमाएं रोज रोज? मैं वही बताने जा रही हूँ, आज मैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स है और फटाफट बनने वाली आइसक्रीम मैं बनाने जा रही हूँ केसर पिस्ता की। अरे वाह, तो चलिए बाजार से बढ़िया ये सीक्रेट जानते हैं मम्मी से कि कैसे हम बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैं वेकफील्ड का कस्टर्ड पाउडर केसर पिस्ता आइसक्रीम के लिए यूज कर रही हूँ। इससे आइसक्रीम अपनी बहुत बढ़िया बनेगी और फटाफट बनेगी। आपको जैसे हम घर में आइसक्रीम बनाते हैं तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट इधर उधर से कलेक्ट करने पड़ते हैं अपने को, इसमें वो सारी चीजें हैं। तो आपको एक ये पैकेट से ही और आपको जिस जिस भी फ्लेवर की आप चाहेंगे वो आइसक्रीम बनेगी इससे। अरे वाह, तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स आज मम्मी बनाने वाली है जबरदस्त आइसक्रीम। तो सबसे पहले क्या करेंगे मम्मी? सबसे पहले मैंने ये 1/2 लीटर दूध लिया है, उसको बॉइल करने के लिए कढ़ाई में रख दिया है। तो इसको बॉइल होने दो, 5 से 7 मिनट इसको बॉइल होगा। उसके बाद मैंने ये वेकफील्ड का कस्टर्ड पाउडर केसर पिस्ता आइसक्रीम के लिए लिया है, ये 2 टेबल स्पून लिया मैंने, वो इसमें मैं डाल लूंगी। इसमें अब इसमें मैं थोड़ा सा नॉर्मल दूध, रूम टेम्परेचर वाला, ये ऑलरेडी बॉइल्ड है। अच्छा, तो वो मैं डाल रही हूँ इसमें। अब इसको हम डाइल्यूट कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका और एकदम डाइल्यूट हो गया, देख लम्स फ्री हो गया। ये डालते ही बिल्कुल भी लम्स नहीं इसमें पड़े हैं, बिल्कुल फ्री फ्लो हो गया। ये कलर तो बहुत कलर बहुत अच्छा और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है पिस्ता की और केसर की। अरे वाह। ये देखिए ये लम्स फ्री हो गया है बिल्कुल। अब मैं इसमें धीरे धीरे अपने जो ये दूध है बॉइल हो रहा है ये इसमें मैं डाल रही हूँ और इसको धीरे धीरे डालेंगे अपन, स्लो स्लो और कंटिन्यूस इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए ये देखिए इसको, और इसका देखिए कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ रहा है। हाँ। एकदम स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर है दिखने में और खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है इसकी। हाँ, दिख रहा है मम्मी कितना अच्छा है। और मम्मी जैसा आप बता रहे थे कि वेजिटेरियंस के लिए तो ये और भी अच्छा है ना, क्योंकि ये प्योर वेजिटेरियन विदाउट एग है ये। हाँ, तो वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है वेकफील्ड का। तो देखिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट मम्मी ने यहाँ पे अभी तक सिर्फ दूध और कस्टर्ड पाउडर यूज करा है और तीसरा इंग्रेडिएंट है चीनी जो हर घर घर में अवेलेबल होती है, और उससे आज केसर पिस्ता आइसक्रीम मम्मी बाजार से भी बढ़िया आपको जमा के दिखा रही है। अब मैंने इसमें 4 टेबल स्पून शुगर लिया, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा जैसे कहते, मैंने 4 टेबल स्पून मेरे को सफिशियंट है तो ये लिया है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और फिर मम्मी इसको कौन सी फ्लेम पे हम कर रहे हैं? इसको मीडियम फ्लेम, मीडियम टू लो, नहीं तो ये लगने का रहता है नीचे से। इसको कितनी देर चलाना है? बस अभी ये थोड़ी देर 2 से 3 मिनट इसको चलाएंगे, अच्छे से डाइल्यूट हो जाए इसमें शुगर और पाउडर, अपना आइसक्रीम पाउडर है वो मिक्स हो जाए। और पता है आज हमने केसर पिस्ता क्यों करी है? क्योंकि ये मेरी और मेरी मम्मी की ये फेवरेट आइसक्रीम है केसर पिस्ता की। मैं बचपन से ही इसको बहुत बनाकर देती आ रही ये वाली, क्योंकि फटाफट बनती है, इसमें आलस ही नहीं आता। ये बोलते मम्मी आइसक्रीम चाहिए और मैं बनाकर दे देती हूँ ये। देखिए फटाफट बिना आलस के बच्चे घर की खाएंगे, आसानी से आप बना सकते हैं, तो कितना अच्छा है ना यहाँ पे। और मम्मी सिर्फ केसर पिस्ता ही है, और भी फ्लेवर्स हम बना सकते हैं। तो मम्मी हो गया हमारा ये अपना रेडी हो गया आइसक्रीम मिक्सर, और देखिए कितना स्मूथ और सिल्की है एकदम, देखिए फ्लोइंग देखिए इसकी, और थिकनेस भी मम्मी थिकनेस बहुत बढ़िया है, थिकनेस बिल्कुल बढ़िया है एकदम परफेक्ट आई है। अरे वाह, अब हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा ठंडा मीन्स मतलब 1 से 1.5 घंटे चिल्ड हो जाए ना ठंडा, ऐसे नहीं है तो फ्रिज में रख दीजिए, तो ठंडे में अपन इसको ग्राइंड करेंगे चर्न करेंगे ना तो बहुत अच्छा, मतलब ये अच्छी बनेगी सॉफ्ट बनेगी आइसक्रीम। तो ये चिल्ड का मतलब क्या है कि हमें पंखे के नीचे रखना है या फ्रिज में रखना है? पंखे के नहीं, फिर थोड़ी देर फ्रिज में रखे, चिल्ड होगा तो अच्छी मतलब सॉफ्ट बनेगी आपकी आइसक्रीम। अच्छा, हाँ चिल्ड को अपन चर्न करेंगे तो बहुत सॉफ्ट बनेगी आइसक्रीम। ये माँ के हाथों का एक्सपीरियंस बोल रहा है जो उन्होंने सालों से ट्राई करा है और आज बता रही है कि कैसे आपकी आइसक्रीम एकदम सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। पर मम्मी मेरा क्वेश्चन है कि सिर्फ केसर पिस्ता ही बना सकते हैं या और भी फ्लेवर्स हैं? नहीं, इसमें और भी फ्लेवर है, मैं आपको ये बता रही हूँ। ये देखिए ये वेनिला है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये मैंगो है, ये बटर स्कॉच है। तो मम्मी घर में जिसको जो पसंद है ना, जो पसंद है वो ही बना दीजिए आप। हाँ, ये बहुत इजी हो जाएगा, हर हफ्ते एक नई आइसक्रीम बन जाएगी, राइट? हाँ, तो देखिए अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अब हम इसको चिल्ड होने के लिए रख देंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं।
फ्रिज में टाइम है तो फ्रिज में रख दीजिए आधा घंटे के लिए इसको। अच्छा। तो चिल्ड हो जाएगी तो अच्छी मतलब टेस्टी बनेगी। और इसमें फिर हमारे वो भी नहीं सॉफ्ट भी बनेगी। हाँ, आइस क्रिस्टल्स भी नहीं आएंगे, सॉफ्ट भी बनेगी आइसक्रीम। तो ये मैंने ले लिया है इधर कस्टर्ड पाउडर, इधर मैंने ये फ्रेश क्रीम ली है, कोई सी भी फ्रेश क्रीम आप ले सकते हैं, वो मैं डाल रही हूँ। ये 250 ग्राम है। अच्छा, तो देखिए 500 ग्राम ने वो आधा लीटर दूध लिया था, 250 ग्राम फ्रेश क्रीम लिए, फ्रेश क्रीम लिया। अब क्या करेंगे? अब मैं इसको चैन कर लूंगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ और अब क्या करना है मम्मी? बस इसको पल्स मोड पर हमको 3 से 4 बार इसको चर्न करना है बस। तो पल्स मोड पर मम्मी चला के लाएंगे अभी। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कितना बढ़िया क्रीमी टेक्सचर आया एकदम। कलर और टेक्सचर दोनों ही बहुत बढ़िया आया है। मैं इसमें कोट कर दूंगी। सो ये देखिए आप पोर कर रही है मम्मी, जिसमें जमाना है ना आपको। हाँ, वो मम्मी यहाँ पे डाल रही है। आइसक्रीम बनाना कितना आसान है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि आइस क्रिस्टल्स नहीं आए, तो उस बारे में हम बात करेंगे। मम्मी आपको टिप बताएंगी, एक टिप ऑलरेडी रह चुकी है कि इसको चिल्ड आपको करना चाहिए कस्टर्ड का जो हमने बनाया है मिक्सचर। अब मैं ये केसर पिस्ता थोड़ा सा पिस्ता से गार्निशिंग कर दूंगी इसके। ओके, तो देखिए केसर पिस्ता है तो यहाँ पे मम्मी ऊपर से डाल रही हैं। अब मैं ये थोड़े से केसर के स्टेम से वो भी डाल दूंगी। ये डाल दिया है। अपने आइस क्रिस्टल्स नहीं आए उसके लिए मैं इसको फॉइल से अच्छे से पैक कर दूंगी। तो देखिए फॉइल पेपर से कर रही है ताकि आइस क्रिस्टल्स नहीं आए यहाँ पर। ये हो गया फॉइल पेपर। अच्छा, में मैं अब इसको फ्रीजर में रख दूंगी। अच्छा, फ्रीजर में आप फ्रीजर में इसको रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए। 3 घंटे बाद ये हाफ सेट हो जाएगी अपने, हाफ सेट से थोड़ा सा। तो इसको वापस से फिर मैं पल्स मोड पे इसको चर्न करूंगी 3 से 4 बार। अच्छा, इसके जो आइस क्रिस्टल्स आते हैं ना इसमें, तो वो भी सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, और सॉफ्टनेस भी आ जाएगी आइसक्रीम में। और फिर वापस जमा देंगे इसको 6 से 8 घंटे के लिए। देखिए फिर बाजार से बढ़िया यहाँ आइसक्रीम बनेगी। तो निकालते हैं हम हमारी ओरिजिनल आइसक्रीम जो मम्मी ने बनाई है आपके लिए। देखिए क्या शानदार। तो देखिए यहाँ पर यही हमने जमा रखी है, आप देख सकते हैं कोई आइस क्रिस्टल नहीं है। और मम्मी अब एक और यहाँ पर आपके लिए सर्व कर रही हैं। तो देखिए मम्मी आज ये क्या डाल रही हैं, ठंडा ठंडा आपके लिए। जी हाँ, सभी की पसंदीदा मम्मी डाल रही हैं ये केसर पिस्ता आइसक्रीम। आइसक्रीम बोल एकदम शानदार ये आइसक्रीम बनती है इसकी। और अब हम इसको डेकोरेट कर देंगे हमारे। तो देखिए कितनी बढ़िया यहाँ पे आइसक्रीम जमी है केसर पिस्ता से। इसको डेकोरेट करा और बन गई आपकी ये शानदार केसर पिस्ता आइसक्रीम यहाँ पर। मम्मी आज आपको भी टेस्ट करना है यहाँ पर, बताओ कि कैसी बनी है। Yes, हमेशा मैं तो करूंगी मैं टेस्ट। मम्मी हमेशा मेरे को खिलाती है और आज मैं मम्मी को खिलाऊंगी यहाँ पर। बहुत ही टेस्टी बनी है, मजा आ गया मुझे तो खाकर। मजा आ गया। तो देखिए मैं तो हर बार अब यही बनाऊंगी, अब हर बार यही बनाएंगी। पर मम्मी ने आज केसर पिस्ता बनाया है। आप बिग फील का कौन सा फ्लेवर चूज करेंगे अपनी पसंद का, कमेंट्स में बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हम तो आपको सजेस्ट करेंगे, रेकमेंड करेंगे कि बनाइए हर फ्लेवर को रोज एक दिन। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। मिलेंगे दोबारा जायका का तड़का, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठंडी ठंडी केसर पिस्ता आइसक्रीम सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से आपके संग रेडी है। बाय बाय एवरीवन।